हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोर्कलिफ्ट के मोटरों के बारे में, लेकिन उन मोटरों में से सबसे बेहतरीन मोटर जो यूज होता है वो BLDC मोटर होता है, जिसको आप लोग जनरली लो वोल्टेज AC मोटर भी कहते हैं, और इसको कहा जाता है लो वोल्टेज AC मोटर भी कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं। ये मोटर और भी बहुत सारी गाड़ियों में होता है, सारी लगभग अभी गाड़ियाँ जितनी अभी आ रही इलेक्ट्रिक व्हीकल सब में यूज होता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि BLDC मोटर के बारे में हम बात करेंगे, जो फोर्कलिफ्ट में बहुत ज़्यादा आजकल यूज होने लगा है। इस मोटर के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए यूज होता है, हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, हम उस पर भी आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस मोटर में होता क्या क्या चीज़ लगा हुआ, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या सामान यूज होता है कि उतना जोड़ने के बाद एक BLDC मोटर तैयार होता है। सबसे पहली बात, इस मोटर में रोटर तो होता है जैसे सारे मोटरों में होता होता है, स्टेटर भी होता है, बाकी सारे मोटरों में जो होता है वो होता है, लेकिन रोटर और स्टेटर के बाद इसमें एडिशनल जो लगाया जाता है वो है एनकोडर टेम्परेचर सेंसर। तो मतलब क्या होता है, एनकोडर का काम हो जाता है कि कंट्रोलर को स्पीड सेंस करके आपको फीडबैक देता है। एनकोडर का दूसरा नाम स्पीड सेंसर भी आप बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं। इसमें टेम्परेचर सेंसर भी होता है, ताकि यदि ओवर टेम्परेचर होने लगे, मोटर चलते चलते गर्म हो जाए, तो ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ हो जाए और अपना मोटर अपने आप को सेफ मोड में कर ले, वो भी होता है इसमें। तीसरा एक और इसमें चीज़ होता है, स्टेटर और रोटर के बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि बहुत लो वोल्टेज में चलता है। इसमें जनरली कनेक्शन जो होता है UBW, तीन कनेक्शन होता है, इसलिए हम लोग ऐसे जनरली बोल देते हैं कि ये 3-phase AC मोटर है। हालांकि कहने का तो लो वोल्टेज 3-phase AC मोटर ही है, लेकिन इसका दूसरा नाम BLDC मोटर है। टेक्निकल में बोलेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज में, तो इसको BLDC मोटर बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे कि इसको चेक, यदि खराब हो गया तो वो चेक कैसे करेंगे। ये मेन जरूरी तो हमारे लिए ही बात है, यदि ये खराब हो गया वो चेक कैसे करेंगे। तो इसका दो मेथड है, मेगर वाला मेथड और दूसरा मेथड है कंट्रोलर वेस्ट मेथड। पहला मेथड जो है मेगर वाला मेथड, इसमें आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। 100% एक्यूरेसी नहीं मिलने का रीज़न ये है कि इसका रेजिस्टेंस, इसके फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, 1 ओम के बराबर, 1 का ही आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, कितना भी आप लगा लीजिए 1 ओम आएगा। तो इसके कारण इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा नहीं होता है मेगर मेथड में, लेकिन फिर भी आप इससे चेक कर सकते हैं। मोटर के कैपेसिटी के हिसाब से इसका अर्थिंग रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, उसको आप स्पेसिफिकेशन में देख के आप चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कंट्रोलर बेस्ड मेथड। ये है कि पूरा कंट्रोलर का आपके पास सेटअप होना चाहिए, उसमें लगा के इस मोटर को आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, यदि किसी फोर्कलिफ्ट में वो मोटर खराब हो गया, आपने सारी चीज़ें चेक कर ली, कंट्रोलर ओके है, वायरिंग ओके है, बैटरी ओके है, एनकोडर ओके है, टेम्परेचर सेंसर ओके है, सब कुछ ओके है, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है कि मोटर गर्म हो रहा है, ओवर टेम्परेचर हो रहा है, चल नहीं रहा है, झटका मार रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो अब मोटर को कैसे चेक करें। एग्जाम्पल की बात बोलो तो इस मोटर को चेक करने के लिए या तो पहले मोटर को खोल लीजिए, मेगर लगाइए, मोटर का कनेक्शन बिना खोले कभी मेगर मत लगाइए, क्योंकि कंट्रोलर से कनेक्टर रहेगा तो कंट्रोलर तुरंत खराब हो जाएगा। कंट्रोलर क्योंकि मेगर 1100, 2000, 5000 वोल्ट का रहता है, अब 5000 वोल्ट यदि कंट्रोलर में जाएगा तो खराबी हो जाएगा। 5000 वोल्ट रहता है लेकिन बहुत कम करंट का रहता है, इसका मतलब आपको ज़्यादा झटका फील नहीं होगा, लेकिन कंट्रोलर को तो फील हो जाता है, वो तो खराब हो जाएगा। इसलिए कंट्रोलर का सारा कनेक्शन खोल लीजिए, एनकोडर डिस्कनेक्ट कर लीजिए, टेम्परेचर सेंसर डिस्कनेक्ट कर लीजिए, फिर आप मेगर लगाइए मोटर में और चेक करिए उसका जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसका मेगर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आप मिला लीजिए। यदि सही है तो फिर आगे का प्रोसीजर, यदि सही नहीं है तो फिर मोटर चेंज करिए। एक और मेथड जो हम बात कर रहे थे कंट्रोलर वेस्ट मेथड, इसमें आपको पूरा सेटअप चाहिए कंट्रोलर का। कहने का मतलब कंट्रोलर का यदि पूरा सेटअप रखने के लिए आपको पूरा व्यवस्था रखना, कंट्रोलर अलग से आपको, एनकोडर अलग से आपको, टेम्परेचर सेंसर यदि उसमें लगा नहीं है तो या फिर खराब हो गया तो सारे सेटअप आपको अलग से एक्सेलेटर पॉट, अलग से बैटरी, कहने का मतलब नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, ये वाले मोटर को दूसरी गाड़ी में बिना गियर बॉक्स में लगाए, जरूरी नहीं कि आप गियर बॉक्स में उसको असेंबल करें, नीचे ही रख के कंट्रोलर से UBW कनेक्शन लें, एनकोडर का कनेक्शन लें, टेम्परेचर सेंसर का कनेक्शन लें, इसमें लगा चला के देखें, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर ये 100% यहाँ पे एक्यूरेट आपको आंसर मिलेगा कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो आपको ये मोटर रिप्लेस करना पड़ेगा। यही एक मेथड, 100% आपको एक्यूरेसी चाहिए, कंट्रोलर वेस्ट मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मेगर में 100% एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, हो सकता है मेगर आपको खराब बताए लेकिन मोटर सही हो सकता है, हो सकता है मेगर आपको सही बताए लेकिन मोटर खराब हो सकता है। मेरे केस में मैं भी एक बार ऐसा प्रॉब्लम में आया हूँ
कि एक डुअल ड्राइव एक फोर्कलिफ्ट थी एसी मोटर वाली, यही जो बोल रहे हैं बीएलडीसी मोटर वाली, उसमें राइट साइड का एक मोटर खराब हो गया, सॉरी लेफ्ट साइड का मोटर खराब हो गया था। हमने मेगर मारा तो भी कुछ नहीं बता रहा, सारी गाड़ी चेक कर ली तो भी कुछ नहीं बता रहा, मेगर तक ओके बता रहा, मेगर ही जो मेगर में जितना भी करेक्शन ले रहे हैं ओके। तो फिर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ओके और कहीं कंट्रोलर भी ओके है उसका, एमसीयू, उसमें एमसीयू वाली गाड़ी थी, एमसीयू ओके, सब कुछ ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ मिल ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने एक दिमाग लगाया कि उसमें डुअल ड्राइव मोटर है, तो एक काम करते हैं, डुअल ड्राइव मोटर मतलब पहले समझ लीजिए, जिस मोटर का ड्राइव फंक्शन के लिए दो मोटर लगा रहा था, जिस फोर्कलिफ्ट में ड्राइव फंक्शन के लिए दो मोटर लगा रहा था, उसको डुअल ड्राइव गाड़ी कहते हैं। डुअल ड्राइव कहने का मतलब ये होता है जिस गाड़ी में दो मोटर ड्राइव के लिए लगा रहे आगे पीछे करने के लिए, उसको डुअल ड्राइव बोला जाता है। जिस गाड़ी में एक मोटर लगाया रहेगा आगे पीछे करने के लिए, मतलब फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए, उसको सिंगल ड्राइव मोटर कहा जाता है। तो हम जिस गाड़ी की अभी बात कर रहे हैं जिसमें हमको प्रॉब्लम ऐसा मिला था, वो डुअल ड्राइव था। तो हमने क्या किया कि राइट का मोटर का सारा कनेक्शन लेफ्ट में लगा दिया, लेफ्ट का मोटर का सारा कनेक्शन राइट में लगा दिया, फिर चला के देखा तो क्या हुआ, फिर भी लेफ्ट वाले में ही प्रॉब्लम रहा। तो इसका मतलब है कि पहले तो लेफ्ट वाला जो सारा सप्लाई राइट वाले को करेक्ट दे रहा था, फिर वही वाला राइट में लेफ्ट में आएगा तो फिर यहाँ भी तो सप्लाई तो करेक्ट ही दे रहा होगा। इसका मतलब सप्लाई करेक्ट दे रहा तो मोटर नहीं चला, तो मोटर में प्रॉब्लम है। तो हमने फिर वो वेरीफाई किया कि मोटर रिप्लेस करना चाहिए, और बाद में मोटर रिप्लेस की और प्रॉब्लम सोल्व भी हो गया। ठीक है, तो कंट्रोलर बेस्ड मेथड में आप जाइए, क्योंकि मेगर बेस्ड मेथड में ऐसा इनएक्यूरेसी आता रहेगा, आप श्योर नहीं हो पाएंगे कि खराब है कि सही है। तो कंट्रोलर बेस्ड मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर आते हैं। इसमें क्या क्या फायदा होता है इसको यूज करने से, सबसे पहला बात, इस मोटर को यूज करने से आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग का बेनिफिट मिलेगा, ये एडिशनल बेनिफिट है बाकी मोटरों के अलावे, बाकी डीसी मोटरों में आपको रीजनरेटिव नहीं मिलेगा, और इस मोटर में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलेगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। रीजनरेटिव ब्रेकिंग वो होता है जिसमें कि आप एक्सेलेटर पैडल छोड़ दें और बिना ब्रेक अप्लाई किए वो गाड़ी अपने आप रुकेगी। वो रुकने का रीजन ये होता है कि पहले तो आप एक्सेलेटर पैडल दबाए हुए तो मोटर से बैटरी से कंट्रोलर से आपको मोटर में सप्लाई जा रहा है और मोटर चल रहा है, मोटर एज ए मोटर काम कर रहा है। लेकिन जब आप एक्सेलेटर छोड़ देंगे तो उस समय क्या करता है मोटर कि मोटर डायनेमो को जैसा काम करने लगता है और वो कंट्रोलर को सप्लाई देता है, सप्लाई उल्टा और रिवर्स हो जाता है। अब मोटर कंट्रोलर को सप्लाई देगा और कंट्रोलर बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा उल्टा। तो जैसे बैटरी को चार्ज करेगा तो मोटर को लोड पड़ेगा, लोड तो कैपेसिटी उसके हिसाब से लोड आएगा कि चार्ज कर रहा है बैटरी, तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगता है ताकि वहाँ पे आपका गाड़ी अपने आप रुक जाए बिना ब्रेक कोई अप्लाई किए हुए, उसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसमें और कोई कौन सा फायदा होता है, इसमें स्पीड सेंसिंग फीडबैक के लिए आपको एनकोडर लगा रहता है। इससे क्या होता है कि ऑपरेशन इस मोटर का बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि उसको फीडबैक कंट्रोलर को फीडबैक मिल रहा है, कोई झटका नहीं, कोई मतलब झटका लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका इस स्पीड सेंसिंग फीडबैक वाला फैसिलिटी बहुत अच्छा है, इसका ऑपरेशन बहुत स्मूथ हो जाता है और कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है इसमें, आपके इतना भी प्रॉब्लम हो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं इस मोटर के स्पीड को। तीसरा फायदा क्या है, इसमें ओवर टेम्परेचर कट ऑफ है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसमें टेम्परेचर सेंसर होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने लगा चलते चलते गर्म हो गया किसी कारण से ज़्यादा, इसका टेम्परेचर सेंसर कंट्रोलर को बोलेगा भाई मोटर ओवर टेम्परेचर हो गया तुम इसको सप्लाई काटो, सप्लाई काट देगा मोटर अपने आप सेफ मोड में आ जाएगा, कंट्रोलर अपने आप सेफ मोड में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ओवर टेम्परेचर कट ऑफ, ताकि मोटर खराब होने से इसको अपने आप ही बच जाता है। ठीक है, अगला बेनिफिट बताते हैं लो पावर कंजम्पशन, ये मोटर बहुत कम पावर खाता है कंपेयर टू डीसी मोटर, वो इसलिए कि इसमें कार्बन ब्रश नहीं होता है तो पावर लॉस होता ही नहीं। पहली बात तो कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर पे बहुत सारा पावर लॉस हो जाता है डीसी मोटर में, इसमें वो चीज़ ही नहीं होता है तो पावर लॉस होता ही बहुत कम है, इसलिए लो पावर है, इसमें बहुत कम पावर खाता है। तीसरा एक और बेनिफिट की बात बोलता हूँ, इसमें कार्बन ब्रश नहीं होता है। अब बोलेगा अभी तो कार्बन ब्रश का बात किया था फिर बोलता है कार्बन ब्रश नहीं होता, दो एक ही बात दो दो बात क्यों बता रहे हैं, लेकिन इसमें एक और बता देता हूँ, कार्बन ब्रश नहीं होने से इसमें मेंटेनेंस ही नहीं आता। एक बार आपने डाल दिया तो लगभग मानिए कि लाइफ टाइम है, बीच बीच में इनकोडर खराब होगा थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं सही लगा रहा तो वो भी नहीं खराब हो, एक बार लगा दिया तो लाइफ टाइम, जिस दिन आपकी गाड़ी को स्क्रैप करना होगा उसी दिन वो मोटर स्क्रैप होगा, सही से आपने मेंटेन किया सही से रखा तो। लेकिन डीसी मोटर में क्या होता है, बीच बीच में टाइम टू टाइम एक साल दो साल छः महीना में आपको कार्बन ब्रश चेंज करना ही है, हो सकता है दो साल तीन साल चार साल के बाद कम्यूटेटर कट जाए धीरे धीरे कार्बन ब्रश चलते चलते, तो आपको उस केस में रोटर को रिपेयर करना पड़ेगा, फिर रोटर चेंज करना पड़ेगा, रोटर नहीं तो आपको मोटर चेंज करना पड़ेगा। तो उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है डीसी मोटरों की, इसकी लाइफ ही नहीं अनलिमिटेड, ये बीएलडीसी मोटरों की लाइफ अनलिमिटेड है, इसकी लिमिटेड कोई लाइफ ही नहीं। तो सबसे बेस्ट फायदा कि आपको एक बार खरीद लिए लाइफ टाइम उसका बेनिफिट लेते रहिए। अगला बेनिफिट है इसका, साइज डीसी मोटरों के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है,
बहुत छोटा मतलब 50% मान के चलिए, यदि 5 किलोवाट का कोई डीसी मोटर है तो बीएलडीसी मोटर उतने साइज में 10 किलोवाट का हो जाएगा, लगभग 8 से 10 किलोवाट का आपका हो जाएगा। तो साइज छोटा है, कम जगह में आराम से लगा दीजिए, चलाइए उड़ाइए तो मौज करिए। ठीक है, इसका एक और फायदा, बहुत साइलेंट चलता है, कार्बन ब्रश नहीं होता, कम्यूटेटर नहीं होता, इसलिए साइलेंट तो चलना ही चलना है। प्लस इनकोडर से फीडबैक वाला सिस्टम है इसमें लगा हुआ, इसलिए ऑपरेशन और भी स्मूथ हो जाता है और साइलेंट हो जाता है। अब हम आते हैं इसमें, इस मोटर को लेने में कुछ प्रॉब्लम भी तो होगा, जरूरी नहीं कि सारा चीज़ फायदा हो, जिस चीज़ में फायदा उस चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है और कुछ ना कुछ फायदा होता है। ये कि ज़्यादा फायदा है तो बढ़िया है और ज़्यादा घाटा है तो खराब है, इसमें कम घाटा है फायदा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी घाटे की बात तो करनी पड़ेगी आपको। घाटे की बात बताता हूँ, ये मोटर डीसी मोटरों के हिसाब से कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, 1.25% होता है, मतलब यदि 1 लाख का कोई डीसी मोटर है तो 1,25,000, 1,30,000, 1,40,000 तक आपको ये मिलेगा। दूसरा घाटा है आपको इसका टेस्टिंग, यदि ये खराब हो गया तो टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसको मेगर मेथड आपको पहले बताया, उससे एक्यूरेसी नहीं आएगी, कंट्रोलर मेथड में आपको एक्यूरेसी आएगी, लेकिन बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, और नहीं तो पास में कोई दूसरा फोर्कलिफ्ट है तो उसमें डाल सकते हैं, यदि आपके पास एक ही फोर्कलिफ्ट है तो आप उसको चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये बात प्रॉब्लम है कि आप इसको चेक करना बड़ा मुश्किल काम है यदि खराब हुआ तो, ऐसे तो खराब ही नहीं होता है, रेयर केस में किसी कारण से खराब होता है। मैंने जिस मोटर की बात की वो खराब हुआ था, उसको उस गाड़ी को बहुत जोर से ठोका था। और ठीक है, हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर आते हैं, चेक करने में यदि एनकोडर खराब है तो आप इसको चेक नहीं कर सकते कुछ भी करके, मेगर मेथड से चेक कर सकते हैं एक्यूरेसी नहीं, लेकिन कंट्रोलर मेथड में एनकोडर खराब है, टेम्परेचर सेंसर खराब है तो आप मोटर को चेक नहीं कर सकते। तो इसके पहले वेरीफाई कर लिए एनकोडर सही है कि नहीं, नहीं सही है तो रिप्लेस करके नया लगा दीजिए। इसके लिए पहले वेरीफाई कर लिए टेम्परेचर सेंसर सही है कि नहीं, नहीं सही है तो पहले टेम्परेचर सेंसर नया लगा दीजिए, फिर कंट्रोलर मेथड में चेक करिए, क्योंकि कंट्रोलर मेथड में सारी कनेक्शन एक साथ नहीं लगेगी, तब तक आप उसको श्योर नहीं कर सकते कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, इसमें एक और प्रॉब्लम की बात बोलता हूँ, इसका कंट्रोलर जो है, इस डीसी मोटर के कंट्रोलर से लगभग डबल प्राइस होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा महंगा, डबल प्राइस बहुत महंगा होता है। यदि डीसी मोटर डीसी कंट्रोलर आ रहा है 1 लाख का, तो ये सीधा 2 लाख का आएगा, ये तो दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत महंगा आता है। तो ये प्रॉब्लम ये भी था। अब आते हैं इसका यूज किन किन कामों के लिए होता है, हम एक और बात करेंगे यूज कौन कौन सी गाड़ियों में होता है वो भी बताएंगे, लेकिन किन किन कामों के लिए होता है वो भी बता देते हैं आपको। इसका यूज हाइड्रोलिक मोटर के लिए होता है, हाइड्रोलिक मोटर मतलब कुछ भी गाड़ी में हाइड्रोलिक फंक्शन आपको यूज करना है, फोर्कलिफ्ट में होता है, बहुत सारी गाड़ियों में होता है, स्टिकर में होता है हाइड्रोलिक फंक्शन के लिए, आरटी में होता है, रिस्ट्रक की बात बोला उसमें होता है, बेंडी में होता है, आर्टिकुलेटेड फोर्कलिफ्ट जो बोलते हैं उसमें होता है। तो आपको उन सब में हाइड्रोलिक मोटर के जैसा भी इसको यूज किया जाता है। दूसरा यूज है ट्रैक्शन मोटर, ट्रैक्शन मतलब ड्राइव मोटर के जैसा यूज किया जाता है, फॉरवर्डिंग बस करने के लिए भी इस मोटर पर यूज किया जाता है। तीसरा बेनिफिट है स्टीयरिंग मोटर, अब हम बोलेंगे स्टीयरिंग मोटर, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग जो होता है उसमें यदि स्टीयरिंग मोटर लगाने की जरूरत है तो ये स्टीयरिंग मोटर के जैसा भी काम करेगा। तीसरा है स्टीयरिंग मोटर एनकोडर बेस्ड स्टीयरिंग में, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एनकोडर बेस्ड स्टीयरिंग में आपको यही सिर्फ लगाना पड़ेगा, डीसी मोटर वहाँ पे आप नहीं लगा सकते एनकोडर बेस्ड स्टीयरिंग सिस्टम। एक और जगह यूज होता है ईपास स्टीयरिंग सिस्टम में, इसमें भी आप बीएलडीसी मोटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें डीसी मोटर भी लगाते हैं तो चलता है, लेकिन बीएलडीसी मोटर भी आप ईपास स्टीयरिंग सिस्टम में लगा सकते हैं। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत ज़्यादा हाई है और रनिंग टॉर्क भी बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए इसको ड्राइव मोटर में भी चला सकते हैं, इसलिए हाइड्रोलिक मोटर में भी चला सकते हैं, स्टीयरिंग मोटर में भी चला सकते हैं। अब आपको बताते हैं स्टीयरिंग मोटर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में, एनकोडर बेस्ड स्टीयरिंग में स्टीयरिंग मोटर ईपास स्टीयरिंग में, इन सब का आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसका भी वीडियो बना हुआ आप उसको देख लीजिए, स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में जो सारा वीडियो बना हुआ ऊपर आई बटन पे क्लिक करेगा मिल जाएगा, और मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी लेके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसको यूज किन किन गाड़ियों में किया जाता है, पहले तो बताया किन किन ऑपरेशनों में किया जाता है, ध्यान रखिएगा पहले बताया मैंने सारे कौन से ऑपरेशन में किया जाता है, अब मैं बता रहा हूँ किन किन गाड़ियों में किया जाता है, किस किस तरह की गाड़ियों में। तो पहला तो हम लोग जानते हैं फोर्कलिफ्ट में, हम लोग तो फोर्कलिफ्ट वाले हैं भाई, पहले फोर्कलिफ्ट की बात करेंगे, फोर्कलिफ्ट में यूज होता है, बेंडी में यूज होता है, आर्टिकुलेटेड फोर्कलिफ्ट में जैसे बोलते हैं, रिस्ट्रक में यूज होता है, आरटी में, बीओपीटी में, स्टेकर में, जितनी भी हमें चीज है ना सब में यूज होता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है बीएलडीसी मोटर ना यूज हो ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी जमाने में डीसी मोटर यूज होता था, आजकल भी कुछ गाड़ियां डीसी मोटर के साथ में आती हैं सस्ता बनाने के लिए, क्योंकि आजकल चीप एंड बेस्ट का जमाना है तो लोग थोड़ा सस्ता भी खोजते हैं, लेकिन चीप एंड बेस्ट तो नहीं होता, चीप एंड गुड हो सकता है, लेकिन चीप एंड बेस्ट जाना है तो आपको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट नहीं हो सकता, तो आप इस मोटर के पास जाइए और बेटर आपको आउटपुट मिलेगा।
ठीक है। ये उसके बाद जो पॉइंट है, ई रिक्शा में यूज होता है। ई रिक्शा मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा जो आजकल देखते हैं ना, बहुत मार्केट में छाया हुआ है। इलेक्ट्रिक रिक्शा में भी BLDC मोटर यूज होता है, जबरदस्त यूज होता है। आप देखिए कितना मस्त स्मूथ उसका ऑपरेशन चलता है, और एक बार लगा दिया खराब नहीं होता। लेकिन जिस ई रिक्शा में भी कुछ में DC मोटर लगा रहता है वो सस्ता करने के लिए, तो वो बार बार उसका बेचारे का खराब होता है, बार बार प्रॉब्लम आता रहता है। तो ई रिक्शा में भी आपको ये वाला मोटर यूज होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, ये बग्गी में यूज होता है। बग्गी मतलब जो गोल्फ कार्ट होता है उसमें, देखिएगा मैं यहाँ पे ये फोटो आप देखिए, इसमें इसको बोलते हैं बग्गी, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको गोल्फ कार्ट भी बोलते हैं, बग्गी भी बोलते हैं, ठीक। ये बग्गी में भी यूज होता है। अब देखिए ये जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो वहाँ पर यूज होता है। आज के डेट में जैसे टाटा बना रही है, महिंद्रा बना रही है, अपना ये बजाज बना रहा है, बजाज का बहुत सारा स्कूटी ये सब आ रहा है ना, सब में बस BLDC ओनली BLDC मोटर यूज होता है। ध्यान रखा, अटोल ऑटो का भी कुछ इलेक्ट्रिक रिक्शा बन रहा है तो सब BLDC मोटर यूज करते हैं, क्योंकि इसका स्मूथ ऑपरेशन है और आउटपुट बहुत बढ़िया है, बैटरी कम खाता है। आजकल के डेट में तो यही है कि बैटरी कितनी दूर चलती है। कोई भी गाड़ी आप लॉन्च कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन, इसकी बैटरी कितनी देर चलेगी और कितनी दूर हम जा सकते हैं। तो आपको कम पावर कंजम्पशन वाला मोटर डालना पड़ेगा कंट्रोलर, तो इसका मतलब आपको BLDC का लगेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। एक और बात, सबसे मेन बात, आप ट्रेन पर बहुत सफर करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ट्रेन में भी BLDC मोटर यूज होता है, वहाँ भी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, BLDC मोटर ट्रेन के इंजनों में यूज होता है। और एक बात बताता हूँ, ट्रेन के AC जो आप इलेक्ट्रिक इंजन होता है उसमें तो यूज होता ही होता है। दूसरा एक और बात बताता हूँ, जो अपना डीजल इंजन है ना, ट्रेन में डीजल इंजन छुप 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 करके चलता है, उसमें भी BLDC मोटर यूज होता है। आपको ये अगर डीजल इंजन लग ले है तो BL मोटर के की काम डीजल इंजनों में, ट्रेनों में। तो उसके बारे में बता देते हैं, ट्रेन में डीजल इंजन सिर्फ जनरेटर को चलाता है, ट्रेन को नहीं चलाता है। आपकी जानकारी के लिए, ट्रेन में डीजल इंजन से जनरेटर लगा रहता है और जनरेटर फिर वो बाकी कंट्रोलर को सप्लाई देता है, कंट्रोलर से फिर जाके लास्ट में आपको BLDC मोटर ही यूज होता है। ये मत सोचिए कि डायरेक्ट इंजन चालू किया और इंजन चला के आपको गाड़ी चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, ऐसा नहीं। मोटर से चलता है ट्रेन का इंजन। हम लोग जैसे अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं कि इंजन का एक्सीलेटर दिया और गाड़ी चलना शुरू, कोई मोटर का जरूरत नहीं, उसमें मोटर ही चलाता है गाड़ी को, ट्रेन को। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये BLDC मोटर नई जो इंजन आए हैं WDP4 WDG4 इन सब इंजनों में यूज होता है BLDC मोटर। बाकी जो पुरानी इंजन है WDM3 WDM2 WDM1 ऐसे जो भी है वो सब में WDM ऐसे WAM ऐसे बहुत सारा ऑप्शन आता है, सब में आपको DC मोटर यूज होता था। तो उन गाड़ियों में क्या होता था, पहले DC मोटर सीरीज मतलब DC सीरीज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, और उसके बाद जब रनिंग टॉर्क आ जाता तो इंडक्शन मोटर यूज होता था। उस समय पुराने जमाने में क्या BLDC मोटर था नहीं, इसलिए ऐसे करके चला जाता था, क्योंकि इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में आपको एक छोटा सा बात बता देता हूँ, मैं बहुत बार यूज कर रहा हूँ इसलिए। स्टार्टिंग टॉर्क वो चीज़ होता है, टॉर्क मतलब ताकत, मोटर का जो ताकत होता है, इंजन का जो ताकत जो निकलता है उसको टॉर्क बोलते हैं। जैसे हम लोग ताकत लगाए ना, वो इतना ताकत लगा, लेकिन जब कोई इंजन या मोटर ताकत लगाता है उसको टॉर्क बोलते हैं। तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, क्योंकि कोई भी जैसे साइकिल चला रहे हैं तो शुरू में जब पैडल दबाएंगे तो बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। तो उस समय हमको ज़्यादा ताकत लगाने के लिए आदमी ज़्यादा पावरफुल चाहिए, या तो वहाँ मोटर लगा है तो मोटर ज़्यादा पावरफुल चाहिए, तभी तो चलाएगा। जैसे ट्रेन उतनी बड़ी गाड़ी है और उसको खींचने के लिए स्टार्टिंग में बहुत जोर से ताकत लगाना पड़ता है, तो उस समय इंडक्शन मोटर की कैपेसिटी नहीं है कि स्टार्टिंग टॉर्क लगा सकते। आप पंखा का घर में लगा है ना, घर में इंडक्शन मोटर का पंखा होता है, पंखे को पकड़ लीजिए नहीं चलेगा, लेकिन घूमता रहे और पकड़ने जाए तो बहुत ताकत लगाएगा। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग टॉर्क उसमें होता ही नहीं, बिल्कुल कम होता है। जब तक वो अपना स्पीड नहीं पकड़ेगा रनिंग में, तो रनिंग टॉर्क उसका हाई होता है, रनिंग टॉर्क पे जाके वो स्पीड पकड़ेगा और उसका ताकत लगाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क बनाने के लिए स्टार्टिंग में इंजन को गाड़ी को खींचने के लिए सीरीज मोटर यूज होता है, DC सीरीज मोटर। और जब स्पीड पे आ जाता है गाड़ी एक एवरेज स्पीड पे, तब जाके इंडक्शन मोटर में सप्लाई दिया जाता है और इंडक्शन मोटर फिर उस गाड़ी को खींचती है, उस ट्रेन इंजन को चलाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और बात बताता हूँ, कब वो चेंज होता है DC सीरीज मोटर से इंडक्शन मोटर में, वो चीज़ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखते होंगे जब WDM3 WDM2 ये सब जो इंजनें लगी रहती है जब ट्रेन में, तो उस समय क्या होता है, जब चलिए बैठे रहिएगा, WDP4 WDG4 ये सब में नहीं होगा ऐसा, जो इस WDM2 WDM3 ये सब में होता है। इसमें क्या होगा, जब गाड़ी स्टार्ट किया तो खींचा, लेकिन जब फुल एक ऐसा स्पीड आएगा चुक 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 करते ऐसा स्पीड आएगा कि उस समय एक्सेलेटर छोड़ देगा पूरा, आपको एकदम फील होगा एक्सेलेटर छोड़ दिया गाड़ी, फिर एक बार जोर से खींचता है। उस गैप के बीच में वो इंजन क्या कर रहा होता है कि DC सीरीज मोटर से AC इंडक्शन मोटर में सप्लाई
चेंज कर रहा होता है, इसलिए उस समय गाड़ी का पूरा पिकअप छोड़ देता है, गाड़ी अपने जो स्पीड जो बना रहता है उसके पिकअप से चलती है बस एक आधे सेकेंड के लिए, उसके बाद फिर खींच लेता। हो सकता है कभी कभी एक से दो सेकेंड भी लगता है वो चेंज ओवर करने में, उसके बाद फिर खींचता है। तो वही जो बीच का समय है ना वो डीसी सीरीज मोटर से इंडक्शन मोटर में ट्रांसफर होता है पावर। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने फील नहीं किया हो तो एक बार फील कर लेगा ट्रेन में बैठ के, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी ट्रेन में इंजन WDM3 WDM2 इस टाइप के, WDP4 WDG4 नहीं लगाना होना चाहिए। वो दोनों लगा रहेगा तो उसमें सीधा BLDC मोटर यूज होता है, कोई इंडक्शन मोटर नहीं, कोई आपको ये DC सीरीज मोटर नहीं। ध्यान रखिएगा, ये ट्रेन पे थोड़ा लंबा हो गया, बोर मत होइएगा, ये आपके लिए ये वीडियो पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलता है कि आखिर इसमें है क्या और कंटेंट क्या है। ठीक है, आज वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, क्या कहते हैं। लेकिन देख, एक बात आपसे जानकारी शेयर करना चाहिए, यदि मुझे कुछ आता है तो मैं आपको शेयर करूँ, आपको कुछ आता तो नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है। लेकिन अब जाते जाते एक आपसे आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मज़ा आता है जब आपको इसका इस तरह का वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे सबसे पहले देखें, और कैसा लगा, मेरा तो दिमाग ही बदल गया। मैं तो सोचता नहीं था कि ट्रेन का डीजल इंजन से अपना ट्रेन नहीं चलता है, मोटर से चलता है। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लगे रहिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करिए, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अभी कोरोना का मैटर चल रहा है, बहुत ख्याल रखिए अपने स्वास्थ्य का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।